हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। दुर्योधन जैसा अधर्मी इनका अन्नदाता बन गया है, इसलिए इन सब की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। और अन्नदाता का विरोध कैसे करेंगे ये सब? सभा में बैठे सभी कौरवों के मुंह सिल गए हैं, लाचार बन गए हैं। देवी लाचार बन गए हैं। प्रभु, पांडवों को इस सभा में जाना ही नहीं चाहिए था। आप भी वही बात कह रही हैं जो धर्मशास्त्र में कहा गया है। शास्त्रों के अनुसार दुराचारी और अनाचारी के घर खाना नहीं खाना चाहिए, दूसरे शब्दों में उसका अतिथि नहीं बनना चाहिए। बस यही भूल पांडवों से हो गई है। देख रहे हैं प्रभु, सब कुछ हार जाने के बाद भी युधिष्ठिर युद्ध सभा का त्याग नहीं कर रहा है। कहिए सम्राट युधिष्ठिर, अब आप दांव पर क्या लगा रहे हैं, कहिए। मामाश्री, सब कुछ तो आप जीत चुके हैं, अब दांव पर लगाने के लिए मेरे पास बचा ही क्या है? नहीं सम्राट युधिष्ठिर, नहीं, अभी आप निर्धन नहीं हुए हैं, अभी आपके पास बहुत धन है। आप चार चार अनुजों के भ्राता श्री हैं, ये चारों भाई आपका धन ही तो है। सम्राट युधिष्ठिर, यदि आप ये दांव जीत गए तो युवराज दुर्योधन ने जो कुछ भी जीता है वो आपको वापस मिल जाएगा। सोच लीजिए सम्राट युधिष्ठिर, जिस सम्राट के पास न धन हो, न संपत्ति हो, न शस्त्र हो, न राजपाट हो, तो उस राजा और रंक में कोई अंतर नहीं रह जाता। क्यों भांजे? राताश्री, लगाइए अपने एक भाई को दांव पर और जीत लीजिए अपना खोया हुआ राजपाट, मान सम्मान। महाराज, क्या अभी आप द्यूत रोकना नहीं चाहेंगे? महाराज, ये द्यूत तुरंत रोक दीजिए। ये कैसा द्यूत है जिसमें हाथी दल, सेना, शस्त्र और राजपाट तक दांव पर लगाया जा रहा है? ये द्यूत नहीं है महाराज, युद्ध का दर्पण है महाराज, युद्ध का दर्पण। धृतराष्ट्र न केवल नेत्रहीन है बल्कि उन्होंने तो अपने अंतर चक्षुओं को भी बंद कर रखा है, इसलिए विदुर का यह प्रयास व्यर्थ ही जाएगा। हाँ भ्राताश्री, क्या विचार है? भाइयों को लगाना है दांव पर या राजपाट त्याग करके सन्यास लेना है? ठीक है, मैं अपने अनुज नकुल को दांव पर लगाता हूं। नकुल, कहिए सम्राट युधिष्ठिर, अब आप दांव पर क्या लगा रहे हैं, कहिए। अब मैं सहदेव को दांव पर लगाता हूं। अर्जुन, 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 हमने अर्जुन को भी जीत लिया। हम श्री प्रभु, क्या कौरवों की राजसभा में बैठे वीर, महावीर, पितामह, आचार्य, ये सब छल कपट से खेले जाने वाले इस दूत को रोक नहीं सकते? देवी, कौरवों के सभा में बैठे वीर, महावीर, आचार्य, पितामह सभी सत्ता और संपत्ति के दास बन गए हैं। दुर्योधन जैसा अधर्मी इनका अन्नदाता बन गया है, इसलिए इन सब की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है।
अन्नदाता का विरोध कैसे करेंगे ये सब? सभा में बैठे सभी कौरवों के मुंह सिल गए हैं, लाचार बन गए हैं देवी, लाचार बन गए हैं। प्रभु, पांडवों को इस सभा में जाना ही नहीं चाहिए था। आप भी वही बात कह रही हैं जो धर्मशास्त्र में कहा गया है। शास्त्रों के अनुसार द्रोणाचारी और अनाचारी के घर खाना नहीं खाना चाहिए, दूसरे शब्दों में उसका अतिथि नहीं बनना चाहिए। बस यही भूल पांडवों से हो गई है। इसका अर्थ प्रभु, क्या ये द्यूत अब रोका नहीं जाएगा? देवी, पर्वत के माथे से छलांग लगाने वाली नदी को तेजी से नीचे जाने से कोई रोक सकता है भला? कमान से छोड़े हुए तीर को कोई वापस ला सकता है? देवी, इसी तरह महाविनाश की ओर ले जाने वाला ये द्यूत भी कोई रोक नहीं सकता। फिर ये द्यूत होना ये विधि का विधान ही है देवी। ये द्यूत बता रहा है देवी कि राजा को अंधा नहीं होना चाहिए। धृतराष्ट्र जन्मांध तो है ही, परंतु वो पुत्र मोह के कारण भी अंधा हो गया है। उसके अंतर चक्षु निस्तेज हो गए हैं। अब किसे दांव पे लगाओगे सम्राट युधिष्ठिर? अब मैं स्वयं अपने आप को दांव पर लगाता हूं। एक बार फिर सोच लो सम्राट युधिष्ठिर, कहीं आप दुर्योधन के दास ना बन जाए। या तो मैं अपने भाइयों को छुड़ाऊंगा, अन्यथा मैं भी तुम्हारा दास बन जाऊंगा। तब तो मामा श्री, तनिक सोच कर पासा फेंकिए और निकालिए बारा। अवश्य भाजे, अवश्य। अब आप अपना मुकुट मेरे चरणों पे रख दीजिए। दुनिया वालों दूत का देखो दुष्परिणाम, दुनिया वालों दूत का देखो दुष्परिणाम। गजधन से नाराज संग हार गए धन धाम, राजा दास बने अनुजों संग राजा दास बने। प्रभु, कितनी विचित्र बात है, शकुनी जैसे अधर्मी ने धर्मराज को जीत लिया। देवी, यही आने वाले कलयुग का प्रभाव है, यही आने वाले कलयुग की आहट है। कलयुग में मानव माया मोह और लोभ के भंवर में घिर जाएगा, जैसे अब कौरव माया मोह और लोभ के अधीन हो गए हैं। प्रभु, क्या कलयुग में धर्म को मार्गदर्शन देने के लिए कोई संकेत शेष नहीं बचेंगे? देवी, इस द्यूत के कारण होने वाले कुरुक्षेत्र के युद्ध ही में पांडवों का योगदान धर्म पर चलने वालों के लिए मार्गदर्शक बनेगा। देवी, अब केवल यही देखना है कि दुर्योधन और शकुनी अधर्म के कौन सी परिसीमा तक जाते हैं। क्षमा कीजिएगा सम्राट युधिष्ठिर जी, आप तो अपना सब कुछ हार गए हैं, राज भी और अपना ताज भी। और मैं निर्धन हो चुका हूं, मेरे पास कुछ भी नहीं रहा, कुछ भी नहीं बचा।